मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे ब्लॉग्स नेपाल राइड के आज के इस एपिसोड में अभी हम हैं पोखरा में। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने मुस्तांग और मनांग राइड कंप्लीट कर ली है और हम आ चुके थे पोखरा। आज का क्या प्लान है सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। ये जो हमारे आपके सबके चहेते यासिर भाई हैं, इनको हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा दिन और रुको, लेकिन क्योंकि भाई बाल बच्चे वाले आदमी है और इनको यहाँ से जाने में भी 3-4 दिन लगेंगे, तो ये आज नेपाल से जम्मू की तरफ रवाना हो रहे हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यासिर भाई का चैनल है YS व्लॉग, तो आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पे YS व्लॉग पे यासिर भाई अपने साइड की स्टोरी अपने तरीके से अपने अंदाज में ये पूरी राइड की बताने वाले हैं। वीडियोज़ जल्दी जल्दी डालना आप। तो अभी यासिर भाई सब कुछ तैयारी रेडी वगैरह होके निकलने वाले हैं और फिर आज से मैं और बिमल थोड़ा बहुत पोखरा एक्सप्लोर करेंगे और फिर जैसा जैसा होगा बताते जाएंगे। आज आप कहाँ पहुँचने वाले हो? आज मैं लखनऊ पहुँचूंगा, ट्राई करूँगा लखनऊ पहुँच जाऊँ। हाँ, इसीलिए हम सुबह सुबह उठ गए हैं। लखनऊ नहीं तो गोरखपुर तो एटलीस्ट पहुँच जाएंगे आप, मेरे ख्याल से लखनऊ भी पहुंच जाएंगे। लखनऊ भी ट्राई कर दूंगा, लखनऊ पहुंच जाओ। चलो ठीक है, तो आपके राइड की शुरुआत और हमारी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं महादेव के नाम के साथ। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। इसीलिए यासिर भाई अगली बार आपने जैकेट तो ले ही लिया है, अब आप पैंट भी ले लो। बिल्कुल, अब मैं पैंट भी ले लूंगा। वैसे अभी हमारे लास्ट ही राइड है। क्यों? सब बोल रहे हैं परिवार वाले बस अब ये लास्ट राइड है, बिग राइड थी ना यासिर भाई, तो शुरू होते ही खत्म हो रहा है। हुआ लाइफ में तो उसको अपना राइडिंग जैकेट दान कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, दान क्यों करेंगे, वो आपकी मेमोरीज है, वो आपके साथ रहने चाहिए। और अभी यासिर भाई कम्प्लीटली रेडी हो रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए और अब हमें यहाँ पर मतलब अकेले राइड करनी होगी रेस्ट ऑफ द डे। विश यू बेस्ट ऑफ लक for your future rides also, for this ride also. यार भैया अभी हम मिलेंगे, next ride में हम आपसे फिर मिलेंगे। नहीं हम मिलेंगे और जब तक है जान बॉडी, हाँ बॉडी में जान, और तब तक हम राइड करेंगे। देखो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि शादी क्यों नहीं कर रहे, देखो एक रीजन ये भी है परमिशन नहीं चाहिए किसी, राइड पे निकलना है अगले दिन कोई दिक्कत नहीं, किसी से पूछना उछना नहीं है। यासिर भाई को थोड़ा अभी पूछना पड़ता है, तो एक दिन पहले नहीं पूछते ना, 15-20 दिन पहले से स्टोरी प्लॉट करते हो। 15-20 दिन? अरे 2-3 महीने पहले, 2-3 महीने ऐसे तो फिर हमारी करना पड़ता है, तुम्हारी राइड फिर हो गई, फिर तो खत्म। यासिर भाई फुल रेडी है, भागने को एकदम तैयार है ये। तो ये पार्किंग है जहाँ पर हम बाइक पार्क करते हैं, होटल का नाम है टूरिस्ट रेसिडेंसी और वैसे पार्किंग नीचे है, बहुत बड़ी पार्किंग है जहाँ पर अगर आप कभी गाड़ी वगैरह लेकर आओ तो वहाँ कर सकते हो, लेकिन हम ऊपर चढ़ा देते हैं क्योंकि हम थोड़े हैवी ड्राइवर हैं। और ये देखो भाई बाइक का क्या हालत हो गया है मनांग और मुस्तांग के बाद, इसको एकदम डेडली वॉश की ज़रूरत है। 2-3 बारी धुलने से मिट्टी निकलेगी, आगे से भी वैसा ही हाल है पूरा एकदम। वैसे भाई नहा लेते यार 5-6 दिन हो गए। यासिर भाई कम्प्लीटली मेकअप वेकअप कर रहे हैं अब ये। I'll miss you, Yasir bhai. Same here. I'll miss you too. There's a smile on my face, but not in my heart. अरे यार I'll miss you. चुम्मी लिया इससे। यही तो चीज़ है हमारा। ये दांत तोड़ देता चुम्मी में। But बहुत जल्दी मैं यासिर भाई से मिलने वाला हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर 20th के बाद हम फिर से बैठेंगे रामबन में या जम्मू में, कहीं तो बैठेंगे, कहीं तो बैठेंगे। चलो राइट आ जा एक बारी और चलो। बहुत बढ़िया राइड रही हमारी मुस्तांग और मनांग, मजा आया। हैव अ सेफ राइड, अच्छे से जाना। बाय बाय।
बाय 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 बाय, फोन करना मुझे। तो अब यासिर भाई चले गए हैं और अब फिलहाल मैं हूँ, लजवंती है और बिमल भाई है। यासिर भाई तो चले गए, अब मैं हूँ और नमस्ते विमल भाई है हमारे साथ। तो लास्ट ईयर भी मैंने विमल भाई का होटल और रूम दिखाया था आपको, मैंने सोचा इस बारे भी आपको दिखाया जाए। तो देखो यार, ये है विमल भाई का सुपर सूट रूम, क्योंकि सबसे पहले यहाँ का बेड देखो, या यहाँ पे बेड बहुत ही खूबसूरती के साथ लगाया गया है। यहाँ पर आप बैठ के सनराइज़ का या सनसेट का आनंद उठा सकते हैं, ये देखो। और साथ ही साथ यहाँ पे है जकूजी, यहाँ पे कुछ ऐसा मन में आ रहा हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे फ्रिज है, फ्रिज देखो, फ्रिज में मादक पदार्थ है। ये फ्रिज है जिसमें आप अपना ज़रूरत के अनुसार सामान रख सकते हैं, और इसको लगाते हैं फटाफट और ले भी सकते हैं। ये है यहाँ का रेस्ट रूम, और इसके साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है। ये तो इस कैमरे से दिख रहा है, लेट्स सी द बर्ड आई व्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अभी पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपको बताएंगे यहाँ पर किस किस टाइप का रूम है, और ये भी बताएंगे कि आज हमारा प्लान क्या रहेगा, कहाँ कहाँ हम घूमने जाने वाले हैं। तो ब्रेकफास्ट करके हम रेडी हैं और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ कहाँ चलेंगे? वो तो अब पहले तो बाइक धोना है। हाँ, बाइक। उसके बाद विल गोना गो टू वर्ल्ड पीस पगोड़ा एंड शिवा स्टैचू। यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम मैंने वर्ल्ड पीस पगोड़ा आपको दिखाया था, विश्व शांति स्तूपा, वहाँ के उसी के बगल में भोलेनाथ की एक बहुत ही बड़ी सी स्टैचू बनी हुई है, तो वो भी आज देखने जाएंगे। और उस टाइम वी वॉक्ड राइट ऑल द वे अप, टुडे विल राइड, या टुडे विल गोना राइड, वी गोना सी द ब्यूटीफुल सनसेट विद अ ग्रेट lake view, and we'll also go to the lake side. Yeah, we're gonna go and have some coffees. अभी क्या है ना, lake side बहुत अच्छा बन गया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, you know how I start my video? तो आज के इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं महादेव के नाम के साथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बाइक थोड़ी सी हमारी गंदी हो गई है और देखते हैं अगर रास्ते में, वैसे तो है यहाँ पे एडवांस कार वॉश, लेकिन अगर वो खाली रहेगा तो धुलवा लेंगे, अदरवाइज फिर शेर कभी नहाता थोड़ी है। और आज हमारे पिलियन बनेंगे विमल भाई। मैं बताता हूँ कैसे बैठेंगे। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड टू, आई एम टेकिंग विमल फॉर अ शॉर्ट राइड। इधर आओ, इधर। जब मैं पिछली बार आया था, जब परमिट बनवाने आया था, तो विमल भाई ने मुझे यहाँ पे एक दो चक्कर लगवाए। अब मैंने कहा विमल भाई आपकी बारी है। इधर 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 इधर। अच्छा, इधर। सुपर बाइक्स में डबल स्टैंड नहीं आती, ऑल्दो ये सुपर बाइक नहीं है लेकिन नहीं आती।
अब मुझसे ज़्यादा साफ मेरी बाइक लग रही है। किधर जाना है यहाँ से? लेफ्ट। आप बताना मुझे, ठीक है। लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा तो हम यहाँ आए थे डेविस फॉल, और इसका नाम पाताले छांगो है, और यहाँ से हम गए थे गुप्तेश्वर महादेव के गुफा में। तो लास्ट ईयर की वीडियो अगर आपने देखी होगी, थिंग्स टू डू इन पोखरा या प्लेसेस टू विजिट इन पोखरा, तो ये दोनों चीज़ हमने आपको दिखाया था। ऑल्दो बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर आप आकर पोखरा में टाइम स्पेंड कर सकते हो। मिनिमम मुझे लगता है आप एक हफ्ते भी रहो तो कम है ना? ये ऊपर कुछ है क्या विमल भाई वहाँ पे? अच्छा सेल्फी पॉइंट है क्या? हम पहले शिव दर्शन के लिए चलते हैं, हम पहले शिव दर्शन के लिए चलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हम एक जगह पर हमने बाइक पार्क कर दी है एंड वी हैव टू क्लाइंब। मेरे ख्याल से करीब 10 मिनट्स, हाँ 10 मिनट्स विमल भाई के लिए, 15-20 मिनट हमारे लिए। तो यहाँ से नज़ारे कुछ इस प्रकार के हैं, सामने फेवा लेक दिखता है। ऑल दो अभी जो मौसम है थोड़ा ख़राब हो गया। विमल भाई इस बार भी हम ट्रैक पे जा रहे हैं हाइकिंग। और तुम्हारा भाई? हाइकिंग एक आर्ट है और हम हाइकिंग में स्मार्ट है। तो जैसे आप थोड़ा और ऊपर आओगे तो यहाँ पर आपको शांति स्तूप दिखेगा, पूरा पोखरा शहर का व्यू दिखेगा, और ये जिस रोड से हम आ रहे थे वो। अभी थोड़ा और ऊपर चढ़ के चलना है, चले। तो यहाँ पर शिवजी बस थोड़ी दूर और है, और हम जहाँ से आए हैं ये वाला पहाड़ है ना, इसके नीचे वो, वहाँ से यहाँ पे आके लगा कि नाउ वी हैव रीच्ड, लेकिन अभी पता चला महादेव अभी और दूर बैठे हैं। चले विमल भाई थोड़ा थक गए हैं। तो हमने छोटी सी हाइक की और हम पहुंच गए महादेव के दरबार में। अब यहाँ पर छोटी सी और हाइक करेंगे, सीढ़ियाँ बनी पड़ी है। और एक चीज़ में बहुत अच्छा लगा कि इनका जो फेस है ना, दैट इज़ टुवर्ड्स द सनसेट पॉइंट एग्जैक्टली, ताकि शाम में एकदम कंप्लीट इन पे लाइट पड़े। अब बहुत जगह ऐसा होता है कि लाइट अपोजिट चला जाता है। exactly. चलो ऊपर चलते हैं, आपको महादेव के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर हमारे महादेव हैं, और इसके पीछे हिमालय दिखता है, अभी थोड़ा देर पहले दिख रहा था, और यहाँ पे हो रहा है सनसेट। कितना प्यारा पॉइंट है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गणेश जी को बनाया गया है, विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड शिवा। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है इस शिवा टेम्पल को बनाने के लिए। सबसे पहले तो आप देखो, ये जो हमारे पीछे शिव जी बैठे हैं, उनके जस्ट पीछे हिमालय पर्वत है, शिव जी का निवास है हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, तो वो वहाँ पे इस तरह से सिंबलाइज हो रहा है। दूसरा आप देखोगे कि यहाँ पर गणेश जी जो हैं ऊपर, ये चक्कर काट रहे हैं शिव जी का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब कार्तिकेय भगवान और गणेश भगवान के बीच में किसी चीज़ को लेकर एक ऐसा कॉम्पिटिशन हो गया था, मुझे लगता है शायद शादी को लेकर, कि पहले शादी किसकी हो, या पहले कुछ तो था यार मुझे याद नहीं है, तो शिव जी ने बोला था कि जो भी सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट के मेरे पास आ जाएगा, तो उसको ये चीज़ या फिर ये काम उसका हो जाएगा। कार्तिकेय भगवान उड़े मोर पर और वो सारे ब्रह्मांड का चक्कर काटने लगे, लेकिन गणेश जी ने माँ पार्वती और शिव जी को नमन किया और उनके साथ चक्कर काटे, क्योंकि हमें यही सिखाया गया कि हमारे पूरा ब्रह्मांड जो है वो हमारे माता पिता के चरणों में है। तो उन्होंने साथ चक्कर काटा और जो चीज़ था, जो कॉम्पिटिशन था, वो जीत गए गणेश भगवान। इसीलिए ये दिखाया गया है कि
गणेश भगवान इज रिवॉल्विंग अराउंड शिवा। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ हमारे पीछे नंदी महाराज बैठे हैं। हर मंदिर पे आप जाओगे तो आपको यही दिखेगा कि नंदी महाराज शिवजी के सामने या शिवलिंग के सामने बैठे। भाई ऐसा क्यों, शिवजी के बगल में क्यों नहीं, जैसे शिवजी की सवारी है नंदी महाराज तो बगल में क्यों नहीं बैठते? उसका भी एक कारण है कि जो नंदी महाराज है वो धैर्य का प्रतीक है, पेशेंस, इज अ सिंबल ऑफ पेशेंस, कि वो भगवान के सामने बैठे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान वहाँ है तो हम उनके पास चले जाए, नहीं, हम उनको देख रहे हैं, हम पेशेंस से उनका वेट कर रहे हैं। वन डे द गॉड द शिवा विल कम टू अस। तो ये वहाँ नंदी महाराज, ये मतलब सिंबलाइज है पेशेंस का। यहाँ पर हिमालय दिख रहा है और यहाँ पर हमारे गणेश भगवान शिव जी का परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये सब कुछ बनाया गया है। थोड़ा सा हाइक करना पड़ता है, ऑल्दो अभी रोड बना नहीं है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर आने का रोड बन जाएगा। नीचे पार्किंग बन रही है और आपको बस 5 से 7 मिनट हाइक करना होगा। 5-7 मिनट भी, थोड़ी सी सीढ़ियाँ होंगी, आप चढ़ोगे और शिव जी के पास पहुंच जाओगे। अभी ये रिसेंट लाइक अभी ये बना हुआ, अभी ये 3 साल हो गया ये, लाइक दे हैव स्टार्टेड दिस कंस्ट्रक्शन एंड दे जस्ट कंप्लीटेड। अभी कुछ चीज कुछ काम बाकी है, बट वेरी सून द रोड्स एंड देन द एवरीथिंग विल गोना बी परफेक्ट कंप्लीटेड एंड देन यू विल गोना सी विमल भाई फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पर आप देखो नंदी महाराज विराजमान है। यहाँ पीछे पशुपतिनाथ टेम्पल के शेप में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है और यहीं पर अगर आप आओ तो फोटो स्टूडियो भी है जहां पर आप फोटो खिंचवा सकते हो महादेव के सामने। और यहां से अभी तो नहीं दिख रहा है, थोड़ी देर पहले पूरा हिमालय दिख रहा था, हिमालय के कुछ चूटियां दिख रहे थे। हाँ, नॉर्मली जब मौसम सही रहेगा तो पूरा अन्नपूर्णा रेंज यहाँ से क्लियरली विजिबल होगा। मैं कहता हूं हमेशा कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए मेरे दोस्त, बड़ी होनी चाहिए। आज यार मौसम इतना साफ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो पोखरा जो शहर है वो बिल्कुल, अगर थोड़ा देखो तो चारों तरफ से माउंटेन्स हैं और इधर भी माउंटेन, यहाँ पे हालांकि शांति स्तूप है, इधर भी माउंटेन और बीच में पोखरा शहर है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इंडिया का उदयपुर है, चारों तरफ से अरावली रेंज और बीच में उदयपुर। हालांकि अरावली रेंज नहीं है, ये कोई और रेंज होगा। और यहाँ पे और ऊपर वहाँ कॉर्नर में अगर आप देखो तो वो दिख रहा है अन्नपूर्णा रेंज, मतलब पहाड़ उतने उतने ऊपर है। तो बढ़िया, ऊपर से व्यू एंजॉय करने के बाद हम वापस आ गए हैं जहाँ पर हमने बाइक पार्क की थी। ऑल्दो अगर आप अब मेरे ख्याल से अगले साल हम अगर आएंगे या फिर 2-3 महीने बाद भी आएंगे तो वो वाला रास्ता खुल चुका होगा, हमारी जो पार्किंग होगी वो आगे होगी और यहाँ से एक छोटा सा ट्रैक, अगर हाइक, छोटा सा हाइक होगा। अगर आपको इधर से जाना है तो इधर से जा सकते हो, अदरवाइज फिर बाइक या कार उधर पार्क करके यू कैन ईजिली क्लाइंब इट फॉर 5 to 10 minutes यू विल बी देयर। और बाकी अब हम यहाँ से निकलते हैं, अब पूजा हो गया है, अब पेट पूजा करते हैं, हमको बहुत बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, अब हम लाइक शाकाहारी खाएंगे। जिंदगी लंबी होनी चाहिए, सॉरी जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लेकिन भूखी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ना जी। और उसके बाद जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए भाई। इट इज ऑलवेज सेड के द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। सो अभी हम इस जगह पर हैं जहाँ पर हम 3 साल पहले 2019 में आए थे। और ये जो जगह है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बैठ के हमने लेमन जूस, आप इधर ही थे, यहाँ पर बैठ कर हमने लेमन जूस, मोमो और चौमिन खाया था। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए थे दिस प्लेस। एंड यहाँ से देखो भाई नज़ारे ऑफ द पोखरा सिटी, ये देखो मैं कहाँ हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ अगर आपको अभी तक नहीं पता चला है तो। बट जस्ट लुक एट द व्यू माई फ्रेंड, ये पूरा पोखरा सिटी है, इधर भी पोखरा सिटी है, बीच में एक माउंटेन है। दिस द ब्लैक स्पॉट, दिस इज फेवा लेक, फेवा ताल, एंड दैट इज द होल लेक साइड। सो दिस इज अ लाइट कैफे विच इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन नियर टू फेवा ताल एंड शांति स्तूपा। और यहीं से अगर आप देखोगे तो अभी हम थोड़ी देर पहले वहाँ थे महादेव के पास, अभी हम इधर आ गए हैं। लास्ट टाइम हम इधर से आए थे, वहाँ से हमने बोट लिया था एंड ऑल द वे बोटिंग करते हुए इधर आए और ऑल द वे ट्रैक करते हुए हम यहाँ आए थे। सो बिमल भाई, हाउ डू यू फील बीइंग हियर आफ्टर सो मेनी डेज टुगेदर? आई ऑलवेज लाइक इट्स रियली अमेजिंग मीटिंग विद यू अगेन हियर,
this place pe aaye, but I always feel really beautiful to come here and see this beautiful like night view, and in the day you can see the Himalayas and a lot of things. And yeah, bahut acha laga. लाइक तीन साल बाद हम यहाँ पे इसी चेयर पे बैठे थे और उधर जाके, क्योंकि यहाँ पे बहुत लाइक चाइनीज लोग, क्योंकि डे टाइम में आए थे तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते थे यहाँ. बट थैंक यू सो वेरी मच दैट यू लाइक केम अगेन एंड मेक दिस प्लेस सो ब्यूटीफुल एंड वी गोना कैप्चर एंड देन वी गोना कैप्चर द नाइट व्यू एट दिस टाइम. एट द टाइम वी कैप्चर लाइक मोस्ट लाइक डे टाइम्स राइट, एंड देन वी कैप्चर सम हिमालयस माउंटेन. बट right now we can able to see that one, but we're going to see the beautiful lights and the lakes and then the peace. You can hear some bird like insects. Okay. ये सच्ची में बोल रहा है वीडियो के लिए. तीन साल बाद सेम जगह सेम चीजें. बस मौसम थोड़ा ठंडा है. तो हम यहाँ से शांति स्तूपा वाले रेस्टोरेंट से अब नीचे जा रहे हैं और अब हम पहुँचेंगे फटाफट अपने होटल और वहाँ का कार्यक्रम शुरू करेंगे. सो दिस इज़ द लेक साइड ऑफ पोखरा. इसको क्या बोलते हैं, बस पोखरा लेक साइड यही बोलते हैं. लेक साइड यहाँ पे बहुत सारे कैफ़े मिलेंगे आपको, बहुत सारे बेकरी शॉप मिलेगा आपको, बहुत सारा रेस्टोरेंट पब. जो नाइट लाइफ है पोखरा का वो यही है. और यहाँ पे आप अपनी बाइक पार्क कर सकते हो, कार पार्क कर सकते हो, यू कैन गो टू एनी, हाँ यू कैन एन्जॉय. तो हम आ गए हैं वापस बिमल भाई के होटल में और आने के बाद हमने सबसे पहले प्लान किया कि आज मौसम बहुत ही प्यारा है और अभी जो मौसम है पोखरा में, वैसे मेरे ख्याल से हमेशा ही ऐसा रहता है, मीठी मीठी ठंड रहती है. नवंबर का ये महीना है, हमने सोचा ये जो आप धुआं देख रहे हो, हमने सोचा बारबेक्यू करते हैं. यहाँ पर सारा इंतज़ाम बिमल भाई ने कर रखा है, यहाँ बारबेक्यू स्टार्ट हो चुका है. आओ आपको एक बार ही दिखाते हैं. बिमल भाई आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत बहुत बेहतरीन, मजा आया. अब खाएंगे बहुत लाइक घूमे. यासिर भाई गए, यासिर भाई को हम मिस कर रहे हैं. यासिर भाई वी मिस यू रियली, वी आर मिसिंग. लेकिन एक्चुअली क्या था कि उनको भी एक तो बहुत दूर जाना है यहाँ से जम्मू, एंड उनके भी काम वाम थे थोड़े, इसीलिए इनको जाना पड़ा. अदरवाइज वो भी चाहते थे, जाते जाते भी वो इमोशनल हो गए थे थोड़े. मुझे भी बड़ा ऐसा लगा. अब तो टेस्ट भी आ रहा है इसीलिए हमें के साथ कम बात करके खाने में जाना ध्यान देना चाहिए. यहाँ से सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, देखो यहाँ से पूरा ऐसे पोखरा शहर दिखता है. और अगर जैसे आसमान आज खुला हुआ है, कैमरा तो नहीं दिखा पाएगा, तो पूरे एकदम तारों के एकदम क्या बोलूँ, हर पूरे आसमान में ऐसे तारे दिख रहे हैं. बहुत ही प्यारा लग रहा है. ऊपर भी तारा दिख रहा है, नीचे भी तारा दिख रहा है. और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये होटल ऐसा होटल है जो शहर से दूर है और शहर के पास है. ये अभी जहाँ पर हम हैं, आपने अगर ड्रोन शॉट्स देखे होंगे तो पूरा चारों तरफ ये जंगल एरिया है. और मेरे ख्याल से यहाँ से कितना दूर है लेक, 10 मिनट? 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ से, वैसे दिखता भी है. तो ये बहुत ही पास है और सारे एमिनिटीज से पास है, और जो शोर शराबा है उससे दूर है. या यस राइट राइट अब बातें बहुत हो गई, अब खाते हैं.